हेलो किड्स, टुडे वी विल लर्न डेली यूज वर्ड मीनिंग इन हिंदी टू इंग्लिश। आज हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो हम डेली यूज में लाते हैं और साथ में उनके इंग्लिश में मीनिंग्स। जैसा, जैसा को इंग्लिश में कहते हैं एज। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके, उसके की इंग्लिश होती है हिज। की इंग्लिश होती है दैट। वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। था की इंग्लिश होती है वॉज। के लिए की इंग्लिश होती है फॉर। पर की इंग्लिश होती है ऑन। है की इंग्लिश होती है आर। साथ को इंग्लिश में कहते हैं विद। वे की इंग्लिश होती है दे। हो की इंग्लिश होती है बी। पर के लिए इंग्लिश में मीनिंग होता है एट। एक की इंग्लिश होती है वन। हैं की इंग्लिश होती है हैव। इस की इंग्लिश होती है दिस। से के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम। द्वारा के लिए यूज किया जाता है बाय। शब्द को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। लेकिन को इंग्लिश में कहते हैं बट। क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। कुछ की इंग्लिश होती है सम। है की इंग्लिश होती है इज। यह की इंग्लिश होती है इट। आपकी इंग्लिश होती है यू। या की इंग्लिश होती है और। था की इंग्लिश होती है हैड। अगला है की इंग्लिश होती है ऑफ। तक की इंग्लिश होती है टू। और की इंग्लिश होती है एंड। एक की इंग्लिश होती है ए। मे की इंग्लिश होती है इन। हम की इंग्लिश होती है वी। कर सकते हैं की इंग्लिश होती है कैन। बाहर की इंग्लिश होती है आउट। अन्य की इंग्लिश होती है अदर। थे की इंग्लिश होती है वर। कर की इंग्लिश होती है डू। उनके के लिए यूज करते हैं देयर। समय की इंग्लिश होती है टाइम। अगर की इंग्लिश होती है इफ। होगा की इंग्लिश होती है विल। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। कहां की इंग्लिश होती है सेड। एक की इंग्लिश होती है एन। प्रत्येक की इंग्लिश होती है ईच। अगला है बता की इंग्लिश होती है टेल। करता है की इंग्लिश होती है डज। सेट की इंग्लिश होती है सेट। तीन की इंग्लिश होती है थ्री। चाहते हैं को इंग्लिश में कहते हैं वॉन्ट। हवा की इंग्लिश होती है एयर। अच्छी तरह से की इंग्लिश होती है वेल। भी को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्सो। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। छोटे छोटे की इंग्लिश होती है स्मॉल।
अगला है अंत। अंत की इंग्लिश होती है एंड। डाल, डाल की इंग्लिश होती है पुट। घर, घर की इंग्लिश होती है होम। पढ़ा, पढ़ा को इंग्लिश में कहते हैं रीड। हाथ, हाथ की इंग्लिश होती है हैंड। बंदरगाह, बंदरगाह की इंग्लिश होती है पोर्ट। बड़ा, बड़ा को कहते हैं लार्ज। जादू, जादू की इंग्लिश होती है स्पेल। जोड़ की इंग्लिश होती है ऐड। और भी को कहते हैं इवन। भूमि, भूमि की इंग्लिश होती है लैंड। यहाँ की इंग्लिश होती है हेयर। चाहिए, चाहिए को इंग्लिश में कहते हैं मस्ट। बड़ा की इंग्लिश होती है बिग। उच्च, उच्च की इंग्लिश होती है हाई। ऐसा, ऐसा की इंग्लिश होती है सच। का पालन करें, का पालन करें की इंग्लिश होती है फॉलो। अधिनियम, अधिनियम की इंग्लिश होती है एक्ट। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। पूछना, पूछना की इंग्लिश होती है आस्क। पुरुषों, पुरुषों की इंग्लिश होती है मेन। परिवर्तन, परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं चेंज। चला गया, चला गया की इंग्लिश होती है वेंट। प्रकाश, प्रकाश की इंग्लिश होती है लाइट। तरह, तरह को इंग्लिश में कहते हैं काइंड। बंद, बंद को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ। आवश्यकता, आवश्यकता की इंग्लिश होती है नीड। घर की इंग्लिश होती है हाउस। तस्वीर को इंग्लिश में कहते हैं पिक्चर। कोशिश को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। हमें, हमें की इंग्लिश होती है अस। फिर को इंग्लिश में कहते हैं अगेन। पशु, पशु को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल। बिंदु, बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। माँ, माँ की इंग्लिश होती है मदर। दुनिया, दुनिया की इंग्लिश होती है वर्ल्ड। निकट, निकट को इंग्लिश में कहते हैं नियर। बनाना, बनाना की इंग्लिश होती है बिल्ड। आत्म, आत्म की इंग्लिश होती है सेल्फ। पृथ्वी, पृथ्वी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। पिता, पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर। किसी भी, किसी भी की इंग्लिश होती है एनी। नई को इंग्लिश में कहते हैं न्यू। काम, काम को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। हिस्सा को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट। लेना, लेना की इंग्लिश होती है टेक। प्राप्त, प्राप्त की इंग्लिश होती है गेट। जगह, जगह की इंग्लिश होती है प्लेस। निर्मित, निर्मित की इंग्लिश होती है मेड। जीना, जीना की इंग्लिश होती है लिव। जहां, जहां को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। के बाद की इंग्लिश के लिए होता है वर्ड आफ्टर। वापस, वापस को इंग्लिश में कहते हैं बैक। थोड़ा, थोड़ा की इंग्लिश होती है लिटिल। केवल, केवल को इंग्लिश में कहते हैं ओनली। दौर, दौर की इंग्लिश होती है राउंड। आदमी, आदमी को इंग्लिश में कहते हैं मैन। वर्ष, वर्ष की इंग्लिश होती है ईयर। आया की इंग्लिश होती है केम। शो, शो को इंग्लिश में कहते हैं शो। हर, हर की इंग्लिश होती है एवरी। अच्छा की इंग्लिश होती है गुड। मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी। दे, दे की इंग्लिश होती है गिव। हमारे, हमारे की इंग्लिश होती है आर। नीचे, नीचे को इंग्लिश में कहते हैं अंडर। नाम,
नाम की इंग्लिश होती है नेम। बहुत, बहुत की इंग्लिश होती है वेरी। के माध्यम से की इंग्लिश होती है थ्रू। बस, बस की इंग्लिश होती है जस्ट। हर, हर की इंग्लिश होती है एवरी। फार्म, फार्म की इंग्लिश होती है फॉर्म। वाक्य, वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। महान, महान की इंग्लिश होती है ग्रेट। लगता है, उसकी इंग्लिश होती है थिंक। कहना, कहना की इंग्लिश होती है से। मदद, मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। कम की इंग्लिश होती है लो। रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। अलग, अलग की इंग्लिश होती है डिफर। बारी, बारी की इंग्लिश होती है टर्न। कारण, कारण को इंग्लिश में कहते हैं कॉज। ज्यादा, ज्यादा की इंग्लिश होती है मच। मतलब, मतलब को इंग्लिश में कहते हैं मीन। पहले, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। चाल, चाल को इंग्लिश में कहते हैं मूव। सही, सही की इंग्लिश होती है राइट। लड़का, लड़का को इंग्लिश में कहते हैं बॉय। पुराना, पुराना की इंग्लिश होती है ओल्ड। भी, भी की इंग्लिश होती है टू। वही, वही की इंग्लिश होती है सेम। वह, वह को इंग्लिश में कहते हैं शी। सब, सब की इंग्लिश होती है ऑल। वहाँ, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। जब, जब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। ऊपर, ऊपर की इंग्लिश होती है अप। उपयोग, उपयोग को इंग्लिश में कहते हैं यूज। अपने, अपने की इंग्लिश होती है योर। रास्ता, रास्ता को इंग्लिश में कहते हैं वे। के बारे में, के बारे में की इंग्लिश होती है अबाउट। कई, कई की इंग्लिश होती है मैनी। तो को इंग्लिश में कहते हैं देन। उन्हें, उन्हें की इंग्लिश होती है देम। लिखना, लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट। होगा, होगा की इंग्लिश होती है वुड। जैसा, जैसा की इंग्लिश होती है लाइक। तो को हम इंग्लिश में कहते हैं सो। इन, इन की इंग्लिश होती है दीज। उसके, उसके को इंग्लिश में कहते हैं हर। लंबे समय तक, लंबे समय तक की इंग्लिश होती है लॉन्ग। कर की इंग्लिश होती है मेक। बात, बात को इंग्लिश में कहते हैं थिंग। देखना, देखना की इंग्लिश होती है सी। उसे, उसे को इंग्लिश में कहते हैं हिम। दो, दो को इंग्लिश में कहते हैं टू। है की इंग्लिश होती है हैज। देखो, देखो को इंग्लिश में कहते हैं लुक। अधिक, अधिक की इंग्लिश होती है मोर। दिन, दिन को इंग्लिश में कहते हैं डे। सकता है, सकता है को इंग्लिश में कहते हैं कुड। जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो। आ, आना, आना को इंग्लिश में कहते हैं कम। किया, किया की इंग्लिश होती है डिड। संख्या, संख्या को कहते हैं नंबर। ध्वनि, ध्वनि को कहते हैं साउंड। नहीं, नहीं की इंग्लिश होती है नो। सबसे, सबसे को इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट। लोग, लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं पीपल। मेरे, मेरे की इंग्लिश होती है माय। अधिक, अधिक को इंग्लिश में कहते हैं ओवर। पता, पता की इंग्लिश होती है नो। से,
से की इंग्लिश होती है दैन। कॉल, कॉल की इंग्लिश होती है कॉल। पहले, पहले को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट। कौन, कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु। मई, मई को इंग्लिश में कहते हैं मे। नीचे, नीचे की इंग्लिश होती है डाउन। पक्ष, पक्ष को इंग्लिश में कहते हैं साइड। गया, गया को इंग्लिश में कहते हैं बीन। अब को इंग्लिश में कहते हैं नाउ। लगता है, लगता है की इंग्लिश होती है फाइंड। सिर, सिर को इंग्लिश में कहते हैं हेड। खड़े, खड़े की इंग्लिश होती है स्टैंड। खुद, खुद को इंग्लिश में कहते हैं ओन। पेज, पेज की इंग्लिश होती है पेज। चाहिए, चाहिए की इंग्लिश होती है शुड। देश, देश की इंग्लिश होती है कंट्री। पाया, पाया की इंग्लिश होती है फाउंड। जवाब को इंग्लिश में कहते हैं आंसर। स्कूल की इंग्लिश होती है स्कूल। बढ़ने, बढ़ने की इंग्लिश होती है ग्रो। अध्ययन को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। अब तक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिल। सीखना, सीखना की इंग्लिश होती है लर्न। संयंत्र, संयंत्र की इंग्लिश होती है प्लांट। कवर, कवर को इंग्लिश में कहते हैं कवर। भोजन, भोजन को इंग्लिश में कहते हैं फूड। सूरज, सूरज की इंग्लिश होती है सन। चार, चार को इंग्लिश में कहते हैं फोर। के बीच, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन। राज्य, राज्य की इंग्लिश होती है स्टेट। रखना, रखना को इंग्लिश में कहते हैं कीप। आंख, आंख की इंग्लिश होती है आई। कभी नहीं, कभी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नेवर। पिछले, पिछले की इंग्लिश होती है लास्ट। चलो, चलो को इंग्लिश में कहते हैं लेट। सोचा, सोचा की इंग्लिश होती है थॉट। शहर, शहर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी। पेड़, पेड़ की इंग्लिश होती है ट्री। खेत, खेत को इंग्लिश में कहते हैं फार्म। कठिन, कठिन को इंग्लिश में कहते हैं हार्ड। शुरुआत, शुरुआत को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट। हो सकता है, हो सकता है कि इंग्लिश में कहते हैं माइट। कहानी, कहानी की इंग्लिश होती है स्टोरी। देखा, देखा को इंग्लिश में कहते हैं सॉ। दूर, दूर की इंग्लिश होती है फार। समुद्र, समुद्र को इंग्लिश में कहते हैं सी। आकर्षित की इंग्लिश होती है ड्रॉ। छोड़ा, छोड़ा को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट। देर से, देर से को इंग्लिश में कहते हैं लेट। चलाने, चलाने की इंग्लिश होती है रन। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं को इंग्लिश में कहते हैं डोंट। जबकि, जबकि की इंग्लिश होती है वाइल। प्रेस, प्रेस को इंग्लिश में कहते हैं प्रेस। करीब, करीब को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज। रात, रात की इंग्लिश होती है नाइट। असली, असली को इंग्लिश में कहते हैं रियल। जीवन, जीवन की इंग्लिश होती है लाइफ। कुछ की इंग्लिश होती है फ्यू। उत्तर, उत्तर को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। किताब, किताब की इंग्लिश होती है बुक। ले, ले को इंग्लिश में कहते हैं कैरी। ले लिया, ले लिया की इंग्लिश होती है टुक। विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। खाने, खाने की इंग्लिश होती है ईट। कमरा,
कमरे की इंग्लिश होती है रूम। दोस्त, दोस्त को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड। शुरू हुआ, शुरू हुआ को इंग्लिश में कहते हैं बिगेन। विचार, विचार की इंग्लिश होती है आइडिया। मछली, मछली की इंग्लिश होती है फिश। पहाड़, पहाड़ को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। रोक, रोक को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप। एक बार की इंग्लिश होती है वंस। आधार, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। सुनना, सुनना की इंग्लिश होती है हियर। घोड़ा, घोड़ा को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। कटौती, कटौती की इंग्लिश होती है कट। यकीन, यकीन की इंग्लिश होती है श्योर। घड़ी, घड़ी की इंग्लिश होती है वॉच। रंग, रंग को इंग्लिश में कहते हैं कलर। चेहरा, चेहरा की इंग्लिश होती है फेस। लकड़ी, लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। मुख्य, मुख्य की इंग्लिश होती है मेन। खुला, खुला को इंग्लिश में कहते हैं ओपन। प्रतीत, प्रतीत को इंग्लिश में कहते हैं सीन। एक साथ की इंग्लिश होती है टुगेदर। अगला की इंग्लिश होती है नेक्स्ट। सफ़ेद, सफ़ेद को इंग्लिश में कहते हैं वाइट। बच्चे, बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। प्रारंभ कर, इसकी इंग्लिश होती है बिगिन। मिला, मिला की इंग्लिश होती है गॉट। चलना, चलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। उदाहरण, उदाहरण की इंग्लिश होती है एग्जाम्पल। आसानी, आसानी को इंग्लिश में कहते हैं ईजी। कागज, कागज की इंग्लिश होती है पेपर। समूह, समूह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। सदैव, सदैव की इंग्लिश होती है ऑलवेज। संगीत, संगीत को इंग्लिश में कहते हैं म्यूजिक। उन, उन को इंग्लिश में कहते हैं दोज। दोनों, दोनों की इंग्लिश होती है बोथ। मार्क, मार्क की इंग्लिश होती है मार्क। अक्सर, अक्सर को इंग्लिश में कहते हैं ऑफन। पत्र, पत्र की इंग्लिश होती है लेटर। जब तक, जब तक को इंग्लिश में कहते हैं अनटिल। मील की इंग्लिश होती है माइल। नदी, नदी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर। कार, कार की इंग्लिश होती है कार। पैर, पैर को इंग्लिश में कहते हैं फीट। देखभाल, देखभाल की इंग्लिश होती है केयर। दूसरा, दूसरा को इंग्लिश में कहते हैं सेकंड। पर्याप्त, पर्याप्त की इंग्लिश होती है इनफ। सादे, सादे की इंग्लिश होती है प्लेन। लड़की, लड़की की इंग्लिश होती है गर्ल। हमेशा की तरह, इसकी इंग्लिश होती है यूजुअल। युवा, युवा को इंग्लिश में कहते हैं यंग। तैयार की इंग्लिश होती है रेडी। ऊपर, ऊपर को इंग्लिश में कहते हैं अबव। कभी, कभी की इंग्लिश होती है एवर। लाल, लाल को इंग्लिश में कहते हैं रेड। सूची, सूची को इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट। हालांकि, हालांकि की इंग्लिश होती है दो। लग रहा है, इसकी इंग्लिश होती है फील। वार्ता, वार्ता को इंग्लिश में कहते हैं टॉक। पक्षी की इंग्लिश होती है बर्ड। शीघ्र, शीघ्र को इंग्लिश में कहते हैं सून। शरीर की इंग्लिश होती है बॉडी। कुत्ते, कुत्ते को इंग्लिश में कहते हैं डॉग। परिवार, परिवार की इंग्लिश होती है फैमिली। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट। ढोंग, ढोंग की इंग्लिश होती है पोज। छोड़, छोड़ने की इंग्लिश होती है
लीव। गीत, गीत को इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग। नाप की इंग्लिश होती है मेजर। दरवाजा, दरवाजे की इंग्लिश होती है डोर। उत्पाद, उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। काला, काला की इंग्लिश होती है ब्लैक। कम को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट। अंक, अंक की इंग्लिश होती है न्यूमरल। और क्लास, क्लास की इंग्लिश होती है क्लास। हवा, हवा को इंग्लिश में कहते हैं विंड। सवाल, सवाल को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन। होना, होना को इंग्लिश में कहते हैं हैपन। पूरा, पूरा की इंग्लिश होती है कंप्लीट। जहाज, जहाज को इंग्लिश में कहते हैं शिप। क्षेत्र, क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। आधा, आधा की इंग्लिश होती है हाफ। रॉक, रॉक को इंग्लिश में कहते हैं रॉक। आदेश की इंग्लिश होती है ऑर्डर। आम, आग की इंग्लिश होती है फायर। दक्षिण, दक्षिण को इंग्लिश में कहते हैं साउथ। समस्या, समस्या की इंग्लिश होती है प्रॉब्लम। टुकड़ा, टुकड़ा की इंग्लिश होती है पीस। बताया को इंग्लिश में कहते हैं टोल्ड। पता था कि इंग्लिश होती है न्यू। पास, पास की इंग्लिश होती है पास। के बाद से को इंग्लिश में कहते हैं सिंस। शीर्ष, शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं टॉप। पूरे, पूरे की इंग्लिश होती है होल। राजा, राजा की इंग्लिश होती है किंग। सड़क, सड़क को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट। इंच, इंच की इंग्लिश होती है इंच। गुना को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। कुछ नहीं की इंग्लिश होती है नथिंग। कोर्स, कोर्स को इंग्लिश में कहते हैं कोर्स। रहना, रहना की इंग्लिश होती है स्टे। पहिया, पहिया को इंग्लिश में कहते हैं व्हील। पूर्ण, पूर्ण की इंग्लिश होती है फुल। बल, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। नीला, नीला की इंग्लिश होती है ब्लू। वस्तु, वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तय, तय की इंग्लिश होती है डिसाइड। सतह को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। गहरा, गहरा की इंग्लिश होती है डीप। चांद को इंग्लिश में कहते हैं मून। द्वीप, द्वीप की इंग्लिश होती है आइलैंड। पैर, पैर को इंग्लिश में कहते हैं फुट। प्रणाली, प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। व्यस्त, व्यस्त की इंग्लिश होती है बिजी। परीक्षण, परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड। नाव की इंग्लिश होती है बोट। आम को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। सोना, सोना की इंग्लिश होती है गोल्ड। संभव, संभव को इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबल। विमान, विमान की इंग्लिश होती है प्लेन। जगह, जगह को इंग्लिश में कहते हैं स्टेड। सूखा, सूखा को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई। आश्चर्य, आश्चर्य की इंग्लिश होती है वंडर। हंसी, हंसी को इंग्लिश में कहते हैं लाफ। हजार, हजार को इंग्लिश में कहते हैं थाउजेंड। पहले, पहले की इंग्लिश होती है एगो। भागा, भागा को इंग्लिश में कहते हैं रैन। जांच, जांच की इंग्लिश होती है चेक। खेल, खेल को इंग्लिश में कहते हैं गेम। आकार, आकार की इंग्लिश होती है शेप। समानता को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेट। गरम,
गरम को इंग्लिश में कहते हैं हॉट। मिस, मिस की इंग्लिश होती है मिस। लाया, लाया को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉट। गर्मी, गर्मी की इंग्लिश होती है हीट। बर्फ को इंग्लिश में कहते हैं स्नो। टायर, टायर की इंग्लिश होती है टायर। लाना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग। हाँ, हाँ की इंग्लिश होती है यस। दूर, दूर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। भरने, भरने की इंग्लिश होती है फिल। पूर्व, पूर्व की इंग्लिश होती है ईस्ट। रंग, रंग को इंग्लिश में कहते हैं पेंट। भाषा, भाषा की इंग्लिश होती है लैंग्वेज। के बीच की इंग्लिश होती है अमंग। इकाई को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। बिजली, बिजली की इंग्लिश होती है पावर। शहर, शहर को इंग्लिश में कहते हैं टाउन। ठीक, ठीक को इंग्लिश में कहते हैं फाइन। कुछ, कुछ की इंग्लिश होती है सर्टेन। मक्खी, मक्खी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई। गिरावट की इंग्लिश होती है फॉल। नेतृत्व, नेतृत्व को इंग्लिश में कहते हैं लीड। रोना, रोना की इंग्लिश होती है क्राई। अंधेरा, अंधेरा को इंग्लिश में कहते हैं डार्क। मशीन को इंग्लिश में कहते हैं मशीन। नोट की इंग्लिश होती है नोट। इंतज़ार, इंतज़ार को इंग्लिश में कहते हैं वेट। योजना, योजना की इंग्लिश होती है प्लान। आंकड़ा, आंकड़ा को इंग्लिश में कहते हैं फिगर। सितारा, सितारा की इंग्लिश होती है स्टार। बॉक्स, बॉक्स को इंग्लिश में कहते हैं बॉक्स। संज्ञा की इंग्लिश होती है नाउन। क्षेत्र, क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं फील्ड। बाकी, बाकी को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। सही की इंग्लिश होती है करेक्ट। सक्षम, सक्षम को इंग्लिश में कहते हैं एबल। पाउंड, पाउंड को इंग्लिश में कहते हैं पाउंड। किया को इंग्लिश में कहते हैं डन। सुंदरता, सुंदरता की इंग्लिश होती है ब्यूटी। ड्राइव, ड्राइव को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। खड़ा हुआ, खड़ा हुआ को इंग्लिश में कहते हैं स्टूड। होते हैं, होते हैं की इंग्लिश होती है कंटेन। सामने की इंग्लिश होती है फ्रंट। सामने, सामने की इंग्लिश होती है फ्रंट। सिखाना, सिखाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच। सप्ताह, सप्ताह की इंग्लिश होती है वीक। अंतिम, अंतिम को इंग्लिश में कहते हैं फाइनल। दिया को इंग्लिश में कहते हैं गेव। हरे रंग की इंग्लिश होती है ग्रीन। ओह, ओह के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओह। त्वरित, त्वरित की इंग्लिश होती है क्विक। विकसित, विकसित की इंग्लिश होती है डेवलप। सागर, सागर को इंग्लिश में कहते हैं ओशियन। गर्म, गर्म की इंग्लिश होती है वार्म। मुक्त, मुक्त को इंग्लिश में कहते हैं फ्री। मिनट की इंग्लिश को मिनट ही कहते हैं। मजबूत, मजबूत की इंग्लिश होती है स्ट्रॉन्ग। विशेष, विशेष को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल। मन, मन की इंग्लिश होती है माइंड। पीछे, पीछे की इंग्लिश होती है बिहाइंड। स्पष्ट, स्पष्ट को इंग्लिश में कहते हैं क्लियर। पूंछ, पूंछ की इंग्लिश होती है टेल। उत्पादन, उत्पादन को इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूस। तथ्य, तथ्य को इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की इंग्लिश होती है स्पेस। सुना, सुना को इंग्लिश में कहते हैं हर्ड।
सर्वश्रेष्ठ की इंग्लिश होती है बेस्ट। घंटे, घंटे को इंग्लिश में कहते हैं आर। बेहतर, बेहतर को इंग्लिश में कहते हैं बेटर। सच, सच की इंग्लिश होती है ट्रू। दौरान, दौरान को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग। सौ, सौ की इंग्लिश होती है हंड्रेड। सौ, सौ की इंग्लिश होती है हंड्रेड। पाँच, पाँच को इंग्लिश में कहते हैं फाइव। याद, याद की इंग्लिश होती है रिमेम्बर। कदम, कदम को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप। शीघ्र, शीघ्र की इंग्लिश होती है अर्ली। पकड़, पकड़ की इंग्लिश होती है होल्ड। पश्चिम, पश्चिम को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। जमीन, जमीन की इंग्लिश होती है ग्राउंड। ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तक पहुंचने, तक पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच। तेजी, तेजी को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। क्रिया, क्रिया की इंग्लिश होती है वर्ब। गाना, गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। सुनो, सुनो की इंग्लिश होती है लिसन। छः, छः को इंग्लिश में कहते हैं सिक्स। तालिका, तालिका की इंग्लिश होती है टेबल। यात्रा, यात्रा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेवल। कम, कम की इंग्लिश होती है लेस। सुबह, सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। दस, दस को इंग्लिश में कहते हैं टेन। सरल, सरल की इंग्लिश होती है सिंपल। कई, कई को इंग्लिश में कहते हैं सेवरल। स्वर, स्वर की इंग्लिश होती है वोवल। की और को इंग्लिश में कहते हैं टुवर्ड। युद्ध, युद्ध की इंग्लिश होती है वार। रखना को इंग्लिश में कहते हैं ले। के खिलाफ, इसकी इंग्लिश होती है अगेंस्ट। पैटर्न, पैटर्न को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न। धीमी, धीमी की इंग्लिश होती है स्लो। केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। धन, धन की इंग्लिश होती है मनी। सेवा कर, इसकी इंग्लिश होती है सर्व। प्रकट, प्रकट को इंग्लिश में कहते हैं अपीयर। सड़क, सड़क की इंग्लिश होती है रोड। नक्शा, नक्शा को इंग्लिश में कहते हैं मैप। बारिश, बारिश की इंग्लिश होती है रेन। नियम, नियम को इंग्लिश में कहते हैं हम रूल। शासन, शासन की इंग्लिश होती है गवर्न। खींच, खींच की इंग्लिश होती है पुल। ठंड, ठंड को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। नोटिस, नोटिस की इंग्लिश होती है नोटिस। आवाज, आवाज को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। ऊर्जा, ऊर्जा की इंग्लिश होती है एनर्जी। शिकार को इंग्लिश में कहते हैं हंट। संभावित, संभावित की इंग्लिश होती है प्रोबेबल। बिस्तर, बिस्तर की इंग्लिश होती है बेड। भाई, भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। अंडा, अंडे को इंग्लिश में कहते हैं एग। सवारी, सवारी की इंग्लिश होती है राइड। सेल, सेल की इंग्लिश होती है सेल। विश्वास है, विश्वास है की इंग्लिश होती है बिलीव। शायद, शायद की इंग्लिश होती है परहैप्स। उठाओ, उठाने की इंग्लिश होती है पिक। अचानक, अचानक को इंग्लिश में कहते हैं सडन। गिनती, गिनती की इंग्लिश होती है काउंट। वर्ग, वर्ग की इंग्लिश होती है स्क्वायर। कारण, कारण की इंग्लिश होती है रीजन। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। कला,
कला की इंग्लिश होती है आर्ट। विषय, विषय को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्षेत्र, क्षेत्र की इंग्लिश होती है रीजन। आकार, आकार को इंग्लिश में कहते हैं साइज। भिन्न हो, भिन्न हो की इंग्लिश होती है वेरी। बसा, बसा की इंग्लिश होती है सेटल। बोलना, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। वजन, वजन की इंग्लिश होती है वेट। सामान्य, सामान्य की इंग्लिश होती है जनरल। बर्फ को इंग्लिश में कहते हैं आइस। मामला, मामला की इंग्लिश होती है मैटर। वृत्त, वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। जोड़ी, जोड़ी की इंग्लिश होती है पेयर। शामिल, शामिल को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूड। विभाजन, विभाजन की इंग्लिश होती है डिवाइड। शब्दांश की इंग्लिश होती है सिलेबल। लगा, लगा की इंग्लिश होती है फेल्ट। भव्य, भव्य की इंग्लिश होती है ग्रैंड। गेंद, गेंद की इंग्लिश होती है बॉल। अभी तक, अभी तक को इंग्लिश में कहते हैं येट। लहर, लहर की इंग्लिश होती है वेव। ड्रॉप, ड्रॉप को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉप। दिल को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। एम, एम की इंग्लिश होती है एम। वर्तमान, वर्तमान की इंग्लिश होती है प्रेजेंट। भारी, भारी को इंग्लिश में कहते हैं हैवी। नृत्य, नृत्य की इंग्लिश होती है डांस। इंजन, इंजन की इंग्लिश होती है इंजन। स्थिति, स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। बाह, बाह की इंग्लिश होती है आर्म। विस्तृत, विस्तृत की इंग्लिश होती है वाइड। स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी इंग्लिश होती है सेल। सामग्री, सामग्री की इंग्लिश होती है मटेरियल। अंश, अंश को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। वन, वन की इंग्लिश होती है फॉरेस्ट। बैठना, बैठना की इंग्लिश होती है सिट। दौड़, दौड़ को इंग्लिश में कहते हैं रेस। खिड़की, खिड़की की इंग्लिश होती है विंडो। दुकान, दुकान की इंग्लिश होती है स्टोर। गर्मियाँ, गर्मियों की इंग्लिश होती है समर। सफ़र, सफ़र की इंग्लिश होती है ट्रेन। नींद को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। साबित, साबित की इंग्लिश होती है प्रूफ। लोन को इंग्लिश में लोन ही कहते हैं। पैर, पैर की इंग्लिश होती है लेग। व्यायाम, व्यायाम को इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज। दीवार, दीवार की इंग्लिश होती है वॉल। पकड़, पकड़ की इंग्लिश होती है कैच। माउंट, माउंट की इंग्लिश होती है माउंट। इच्छा, इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं विश। आसमान, आसमान की इंग्लिश होती है स्काई। बोर्ड, बोर्ड को इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड। हर्ष, हर्ष की इंग्लिश होती है जॉय। सर्दियाँ, सर्दियों को इंग्लिश में कहते हैं विंटर। शनि, शनि की इंग्लिश होती है सैटरडे। लिखित, लिखित को इंग्लिश में कहते हैं रिटन। जंगली, जंगली की इंग्लिश होती है वाइल्ड। साधन, साधन को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। रखा को इंग्लिश में कहते हैं कैप्ट। कांच, कांच की इंग्लिश होती है ग्लास। घास, घास को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास। गाय, गाय की इंग्लिश होती है काउ। काम, काम को इंग्लिश में कहते हैं जॉब। बढ़त, बढ़त की इंग्लिश होती है एज। साइन,
साइन को इंग्लिश में साइन ही कहते हैं। यात्रा, यात्रा की इंग्लिश होती है विजिट। अतीत, अतीत को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। मुलायम, मुलायम की इंग्लिश होती है सॉफ्ट। उज्जवल, उज्जवल को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइट। गैस, गैस की इंग्लिश गैस ही होती है। मौसम, मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर। माह, माह की इंग्लिश होती है मंथ। लाख को इंग्लिश में कहते हैं मिलियन। भालू, भालू की इंग्लिश होती है बेयर। खत्म, खत्म को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। खुश, खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी। आशा, आशा की इंग्लिश होती है होप। फूल, फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। कपड़े, कपड़े की इंग्लिश होती है क्लॉथ। अजीब, अजीब को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंज। चला गया, चला गया को इंग्लिश में कहते हैं गॉन। व्यापार, व्यापार की इंग्लिश होती है ट्रेड। राग, राग को इंग्लिश में कहते हैं मेलोडी। यात्रा, यात्रा की इंग्लिश होती है ट्रिप। कार्यालय, कार्यालय को ऑफिस कहते हैं। प्राप्त करना, प्राप्त करना की इंग्लिश होती है रिसीव। पंक्ति, पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो। मुंह, मुंह की इंग्लिश होती है माउथ। सटीक, सटीक की इंग्लिश होती है एग्जैक्ट। प्रतीक, प्रतीक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल। मरना, मरना की इंग्लिश होती है डाई। कम से कम, कम से कम को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट। मुसीबत, मुसीबत को इंग्लिश में कहते हैं ट्रबल। चिल्लाओ, चिल्लाओ की इंग्लिश होती है शाउट। सिवाय, सिवाय की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट। लिखा, लिखा को इंग्लिश में कहते हैं रोट। बीज, बीज की इंग्लिश होती है सीड। और स्वर, स्वर की इंग्लिश होती है टोन। शामिल होने, शामिल होने को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइन। सुझाव है, सुझाव है कि इंग्लिश होती है सजेस्ट। साफ, साफ को इंग्लिश में कहते हैं क्लीन। तोड़, तोड़ की इंग्लिश होती है ब्रेक। महिला, महिला की इंग्लिश होती है लेडी। यार्ड, यार्ड को इंग्लिश में यार्ड ही कहते हैं। वृद्धि, वृद्धि की इंग्लिश होती है राइस। बुरा, बुरा को इंग्लिश में कहते हैं बैड। झटका, झटका को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। तेल को इंग्लिश में ऑयल कहते हैं। खून, खून की इंग्लिश होती है ब्लड। स्पर्श, स्पर्श को इंग्लिश में कहते हैं टच। बड़ी, बड़ी की इंग्लिश होती है ग्रू। प्रतिशत, प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं सेंट। मिश्रण, मिश्रण की इंग्लिश होती है मिक्स। टीम को इंग्लिश में टीम ही कहते हैं। तार, तार की इंग्लिश होती है वायर। लागत, लागत को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट। खोया, खोया की इंग्लिश होती है लॉस्ट। ब्राउन को इंग्लिश में ब्राउन ही कहते हैं। पहनना, पहनना की इंग्लिश होती है वेयर। बगीचा, बगीचा को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। बराबर, बराबर की इंग्लिश होती है इक्वल। भेजा, भेजा की इंग्लिश होती है सेंट। चयन, चयन को इंग्लिश में कहते हैं चूज। गिर गया, इसकी इंग्लिश होती है फेल। फिट, फिट को फिट ही कहते हैं। प्रवाह, प्रवाह की इंग्लिश होती है फ्लो। मेला, मेला की इंग्लिश होती है
फेयर। बैंक को इंग्लिश में बैंक ही कहते हैं। इकट्ठा, इकट्ठा की इंग्लिश होती है कलेक्ट। बचा, बचा को इंग्लिश में कहते हैं सेव। नियंत्रण, नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल। दशमलव, दशमलव की इंग्लिश होती है डेसिमल। कान, कान की इंग्लिश होती है ईयर। बाकी, बाकी को इंग्लिश में कहते हैं एल्स। काफ़ी, काफ़ी की इंग्लिश होती है क्वाइट। तोड़ दिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोक। मामले, मामले की इंग्लिश होती है केस। बीच को इंग्लिश में कहते हैं मिडल। हत्या, हत्या की इंग्लिश होती है किल। बेटा, बेटा को इंग्लिश में कहते हैं सन। झील की इंग्लिश होती है लेक। पल को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट। पैमाने, पैमाने की इंग्लिश होती है स्केल। जोर, जोर को इंग्लिश में कहते हैं लाउड। वसंत, वसंत की इंग्लिश होती है स्प्रिंग। निरीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व। सीधे की इंग्लिश होती है स्ट्रेट। व्यंजन, व्यंजन की इंग्लिश होती है कॉन्सोनेंट। राष्ट्र, राष्ट्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशन। शब्दकोश, शब्दकोश की इंग्लिश होती है डिक्शनरी। दूध, दूध को इंग्लिश में कहते हैं मिल्क। गति, गति की इंग्लिश होती है स्पीड। विधि को इंग्लिश में कहते हैं मेथड। अंग, अंग की इंग्लिश होती है ऑर्गन। भुगतान, भुगतान की इंग्लिश होती है पे। उम्र की इंग्लिश होती है एज। अनुभाग की इंग्लिश होती है सेक्शन। पोशाक, पोशाक को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेस। बादल, बादल की इंग्लिश होती है क्लाउड। आश्चर्य, आश्चर्य की इंग्लिश होती है सरप्राइज। शांत को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट। पत्थर की इंग्लिश होती है स्टोन। छोटे की इंग्लिश होती है टाइनी। चढ़ाई, चढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइम। शीतल, शीतल की इंग्लिश होती है कूल। डिज़ाइन, डिज़ाइन को इंग्लिश में डिज़ाइन ही कहते हैं। गरीब, गरीब की इंग्लिश होती है पुअर। बहुत, बहुत की इंग्लिश होती है लॉट। प्रयोग, प्रयोग की इंग्लिश होती है एक्सपेरिमेंट। तल, तल को इंग्लिश में कहते हैं बॉटम। कुंजी, कुंजी की इंग्लिश होती है की। लोहा, लोहा की इंग्लिश होती है आयरन। एकल को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल। छड़ी, छड़ी की इंग्लिश होती है स्टिक। फ्लैट को इंग्लिश में फ्लैट ही कहते हैं। बीस, बीस की इंग्लिश होती है ट्वेंटी। मुस्कान, मुस्कान की इंग्लिश होती है स्माइल। क्रीज, क्रीज की इंग्लिश क्रीज ही होती है। छेद, छेद को इंग्लिश में कहते हैं होल। कूद, कूद की इंग्लिश होती है जंप। बच्चे, बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं बेबी। आठ की इंग्लिश होती है एट। गांव, गांव की इंग्लिश होती है विलेज। मिलो, मिलो की इंग्लिश होती है मीट। जड़ की इंग्लिश होती है रूट। खरीद, खरीद को इंग्लिश में कहते हैं बाय। उठाना, उठाना की इंग्लिश होती है रेज। हल, हल को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व। धातु, धातु की इंग्लिश होती है मेटल। चाहे, चाहे की इंग्लिश होती है धक्का। धक्का की इंग्लिश होती है पुश। सात,
सात को इंग्लिश में कहते हैं सेवन। पैरा, पैरा की इंग्लिश होती है पैराग्राफ। तीसरे, तीसरे को इंग्लिश में कहते हैं थर्ड। करेगा की इंग्लिश होती है शेल। आयोजित, आयोजित को इंग्लिश में कहते हैं हेल्ड। वर्णन, वर्णन की इंग्लिश होती है डिस्क्राइब। कुक को इंग्लिश में कुक ही कहते हैं। मंजिल, मंजिल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर। भी, भी की इंग्लिश होती है आइदर। परिणाम, परिणाम को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट। जला, जला की इंग्लिश होती है बर्न। पहाड़ी, पहाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हिल। सुरक्षित, सुरक्षित को इंग्लिश में कहते हैं सेफ। बिल्ली, बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट। सदी, सदी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। विचार करना, इसकी इंग्लिश होती है कंसीडर। प्रकार, प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं टाइप। कानून, कानून को इंग्लिश में कहते हैं लॉ। बिट, बिट की इंग्लिश बिट ही होती है। तट, तट को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट। नकल, नकल की इंग्लिश होती है कॉपी। वाक्यांश, वाक्यांश को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज। चुप, चुप की इंग्लिश होती है साइलेंट। रेत, रेत की इंग्लिश होती है सैंड। मिट्टी, मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। रोल, रोल की इंग्लिश होती है रोल। तापमान, तापमान को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। उंगली, उंगली की इंग्लिश होती है फिंगर। उद्योग, उद्योग की इंग्लिश होती है इंडस्ट्री। मूल्य, मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू। लड़ाई, लड़ाई की इंग्लिश होती है फाइट। झूठ को इंग्लिश में लाई कहते हैं। हरा की इंग्लिश बीट होती है। उत्तेजित, उत्तेजित की इंग्लिश होती है एक्साइट। प्राकृतिक, प्राकृतिक को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल। देखें, देखें की इंग्लिश होती है व्यू। भावना, भावना को इंग्लिश में कहते हैं सेंस। राजधानी, राजधानी की इंग्लिश होती है कैपिटल। नहीं होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉन्ट। कुर्सी, कुर्सी की इंग्लिश होती है चेयर। खतरे, खतरे को इंग्लिश में कहते हैं डेंजर। फल, फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट। अमीर की इंग्लिश होती है रिच। मोटी, मोटी की इंग्लिश होती है थिक। सैनिक को इंग्लिश में कहते हैं सोल्जर। प्रक्रिया, प्रक्रिया की इंग्लिश होती है प्रोसेस। संचालित, संचालित की इंग्लिश होती है ऑपरेट। अभ्यास को इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं। अलग, अलग की इंग्लिश होती है सेपरेट। मुश्किल, मुश्किल को इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्ट। चिकित्सक की इंग्लिश होती है डॉक्टर। कृपया, कृपया को इंग्लिश में कहते हैं प्लीज। रक्षा, रक्षा की इंग्लिश होती है प्रोटेक्ट। दोपहर, दोपहर को इंग्लिश में कहते हैं नून। फसल, फसल की इंग्लिश होती है क्रॉप। आधुनिक, आधुनिक को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न। तत्व, तत्व की इंग्लिश होती है एलिमेंट। मारना, मारना को इंग्लिश में कहते हैं हिट। छात्र, छात्र की इंग्लिश होती है स्टूडेंट। कोना, कोने की इंग्लिश होती है कॉर्नर। पार्टी, पार्टी को इंग्लिश में पार्टी ही कहते हैं। आपूर्ति, आपूर्ति की इंग्लिश होती है सप्लाई। जिसका की इंग्लिश होती है हूज। अंगूठी, अंगूठी को इंग्लिश में रिंग कहते हैं।
चरित्र की इंग्लिश होती है कैरेक्टर। कीट, कीट को इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट। पकड़ा, पकड़ा की इंग्लिश होती है कॉट। अवधि, अवधि को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। संकेत मिलता है, इसकी इंग्लिश होती है इंडिकेट। रेडियो, रेडियो को इंग्लिश में रेडियो ही कहते हैं। बात, बात की इंग्लिश होती है स्पोक। एटम, एटम को इंग्लिश में एटम ही कहते हैं। मानव, मानव की इंग्लिश होती है ह्यूमन। इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। प्रभाव, प्रभाव की इंग्लिश होती है इफेक्ट। बिजली, बिजली की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक। उम्मीद, उम्मीद को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्ट। हड्डी, हड्डी की इंग्लिश होती है बोन। रेल, रेल को इंग्लिश में रेल कहते हैं। कल्पना, कल्पना की इंग्लिश होती है इमेजिन। प्रदान, प्रदान को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइड। सहमत की इंग्लिश होती है अग्री। इस प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं डज। कोमल, कोमल की इंग्लिश होती है जेंटल। महिला, महिला को इंग्लिश में वुमेन कहते हैं। कप्तान, कप्तान की इंग्लिश होती है कैप्टन। अनुमान, अनुमान को इंग्लिश में कहते हैं गेस। आवश्यक, आवश्यक की इंग्लिश होती है नेसेसरी। तेज, तेज को इंग्लिश में कहते हैं शार्प। पंख, पंख की इंग्लिश होती है विंग। बना की इंग्लिश होती है क्रिएट। पड़ोसी को इंग्लिश में कहते हैं नेबर। धोने, धोने की इंग्लिश होती है वॉश। बल्ला, बल्ला की इंग्लिश होती है बैट। बल्की को इंग्लिश में कहते हैं रादर। भीड़, भीड़ की इंग्लिश होती है क्राउड। मकई, मकई को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न। तुलना, तुलना की इंग्लिश होती है कंपेयर। कविता, कविता को इंग्लिश में कहते हैं पोइम। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग। बेल, बेल की इंग्लिश होती है बेल। निर्भर, निर्भर को इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड। मांस, मांस की इंग्लिश होती है मीट। रगड़, रगड़ को इंग्लिश में कहते हैं रब। ट्यूब, ट्यूब की इंग्लिश होती है ट्यूब। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को इंग्लिश में कहते हैं फेमस। डॉलर, डॉलर की इंग्लिश होती है डॉलर। धारा, धारा को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम। डर, डर की इंग्लिश होती है फियर। दृष्टि, दृष्टि को इंग्लिश में कहते हैं साइट। पतली, पतली की इंग्लिश होती है थिन। त्रिकोण को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। ग्रह, ग्रह की इंग्लिश होती है प्लेनेट। जल्दी करो, इसकी इंग्लिश होती है हरी। प्रमुख, प्रमुख को इंग्लिश में कहते हैं चीफ। कॉलोनी, कॉलोनी की इंग्लिश होती है कॉलोनी। घड़ी, घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक। मेरा की इंग्लिश होती है माइन। टाई को इंग्लिश में टाई ही कहते हैं। दर्ज, दर्ज की इंग्लिश होती है एंटर। प्रमुख, प्रमुख को इंग्लिश में कहते हैं मेजर। ताजा, ताजा की इंग्लिश होती है फ्रेश। खोज, खोज को इंग्लिश में कहते हैं सर्च। भेजे, भेजे की इंग्लिश होती है सेंड। पीले, पीले को इंग्लिश में बोलते हैं येलो। बंदूक, बंदूक की इंग्लिश होती है गन। की अनुमति, इसकी इंग्लिश होती है अलो। प्रिंट, प्रिंट की इंग्लिश प्रिंट ही होती है। मृत,
मृत की इंग्लिश होती है डेड। हाजिर, हाजिर को इंग्लिश में कहते हैं स्पॉट। रेगिस्तान, रेगिस्तान की इंग्लिश होती है डेजर्ट। सूट की इंग्लिश सूट ही होती है। वर्तमान, वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं करंट। लिफ्ट, लिफ्ट को इंग्लिश में लिफ्ट ही कहते हैं। गुलाब, गुलाब की इंग्लिश होती है रोज़। पहुंचना, पहुंचना की इंग्लिश होती है अराइव। मास्टर, मास्टर को इंग्लिश में मास्टर ही कहते हैं। ट्रैक, ट्रैक की इंग्लिश होती है ट्रैक। माता पिता, माता पिता को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट। किनारे, किनारे की इंग्लिश होती है शोर। विभाजन, विभाजन की इंग्लिश होती है डिवीजन। चादर की इंग्लिश होती है शीट। पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। एहसान, एहसान की इंग्लिश होती है फेवर। कनेक्ट, कनेक्ट को इंग्लिश में कनेक्ट ही कहते हैं। पोस्ट, पोस्ट की इंग्लिश पोस्ट ही होती है। खर्च, खर्च को इंग्लिश में कहते हैं स्पेंड। राग, राग की इंग्लिश होती है कॉर्ड। वसा, वसा की इंग्लिश होती है फैट। प्रसन्न, प्रसन्न को इंग्लिश में ग्लैड कहते हैं। मूल, मूल की इंग्लिश होती है ओरिजिनल। शेयर, शेयर को इंग्लिश में शेयर कहते हैं। स्टेशन, स्टेशन की इंग्लिश स्टेशन ही होती है। पिता, पिता को इंग्लिश में कहते हैं डैड। रोटी, रोटी की इंग्लिश होती है ब्रेड। चार्ज, चार्ज को इंग्लिश में चार्ज ही कहते हैं। उचित, उचित की इंग्लिश होती है प्रॉपर। बार, बार को इंग्लिश में बार ही बोलते हैं। प्रस्ताव, प्रस्ताव की इंग्लिश होती है ऑफर। खंड, खंड को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। गुलाम, गुलाम की इंग्लिश होती है स्लेव। बतख, बतख को इंग्लिश में डक कहते हैं। पल, पल की इंग्लिश होती है इंस्टेंट। बाजार, बाजार को इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। डिग्री, डिग्री की इंग्लिश डिग्री ही होती है। आबाद, आबाद को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेट। लड़की, लड़की की इंग्लिश होती है चिक। प्रिय, प्रिय को इंग्लिश में कहते हैं डियर। दुश्मन, दुश्मन की इंग्लिश होती है एनिमी। उत्तर, उत्तर को इंग्लिश में कहते हैं रिप्लाई। पे, पे की इंग्लिश होती है ड्रिंक। घटित, घटित को इंग्लिश में कहते हैं ऑकर। समर्थन, समर्थन की इंग्लिश होती है सपोर्ट। भाषण, भाषण को इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। प्रकृति, प्रकृति को इंग्लिश में कहते हैं नेचर। सीमा, सीमा को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। भाप, भाप की इंग्लिश होती है स्टीम। प्रस्ताव, प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। पथ, पथ की इंग्लिश होती है पाथ। तरल, तरल को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। लॉगिन करें, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉग। मतलब की इंग्लिश होती है मेंट। भागफल, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूटेंट। दांत, दांत की इंग्लिश होती है टीथ। खोल, खोल को इंग्लिश में कहते हैं शेल। गर्दन, गर्दन की इंग्लिश होती है नेक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंग्लिश में ऑक्सीजन ही कहते हैं। चीनी, चीनी की इंग्लिश होती है शुगर। मौत, मौत को इंग्लिश में कहते हैं डेथ। सुंदर, सुंदर की इंग्लिश होती है प्रिटी। कौशल, कौशल की इंग्लिश होती है स्किल। महिलाओं को इंग्लिश में कहते हैं वुमेन। मौसम, मौसम की इंग्लिश होती है सीजन। समाधान, समाधान को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन।
चुंबक, चुंबक की इंग्लिश होती है मैग्नेट। चांदी, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद की इंग्लिश होती है थैंक। शाखा, शाखा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच। मैच, मैच की इंग्लिश मैच ही होती है। प्रत्यय, प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। विशेष रूप से, इसकी इंग्लिश होती है स्पेशली। अंजीर, अंजीर की इंग्लिश होती है फिग। डर, डर को इंग्लिश में कहते हैं अफ्रेड। भारी, भारी की इंग्लिश होती है ह्यूज। बहन, बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। स्टील, स्टील की इंग्लिश स्टील ही होती है। चर्चा, चर्चा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस। आगे, आगे की इंग्लिश होती है फॉरवर्ड। इसी तरह की इंग्लिश होती है सिमिलर। गाइड, गाइड की इंग्लिश गाइड ही होती है। अनुभव, अनुभव को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस। स्कोर, स्कोर की इंग्लिश स्कोर होती है। सेब, सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। खरीदा, खरीदा की इंग्लिश होती है बॉट। नेतृत्व, नेतृत्व की इंग्लिश होती है लेड। पिच को इंग्लिश में पिच ही कहते हैं। कोट को भी कोट कहते हैं। सामूहिक, सामूहिक की इंग्लिश होती है मास। कार्ड, कार्ड को इंग्लिश में कार्ड ही कहते हैं। बैंड, बैंड की भी इंग्लिश बैंड ही होती है। रस्सी, रस्सी को इंग्लिश में कहते हैं रोप। पर्ची, पर्ची की इंग्लिश स्लिप होती है। जीत, जीत की इंग्लिश होती है विन। सपना, सपना को इंग्लिश होती है ड्रीम। शाम, शाम की इंग्लिश होती है इवनिंग। शर्त, शर्त को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन। फीड, फीड की इंग्लिश फीड ही होती है। उपकरण, उपकरण को इंग्लिश में कहते हैं टूल। संपूर्ण, संपूर्ण की इंग्लिश होती है टोटल। बुनियादी, बुनियादी को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक। गंध, गंध की इंग्लिश होती है स्मेल। घाटी की इंग्लिश होती है वैली। और नहीं, इसकी इंग्लिश होती है नॉर। डबल, डबल की इंग्लिश डबल ही होती है। और सीट को भी सीट ही कहते हैं। जारी रखने के, इसकी इंग्लिश होती है कंटिन्यू। खंड, खंड की इंग्लिश होती है ब्लॉक। चाट, चाट की इंग्लिश चाट ही होती है। टोपी, टोपी को इंग्लिश में कहते हैं हैट। बेचना, बेचने की इंग्लिश होती है सेल। सफलता, सफलता को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस। कंपनी, कंपनी की इंग्लिश कंपनी ही होती है। घटाना, घटाना को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्ट। घटना, घटना की इंग्लिश होती है इवेंट। विशेष, विशेष को इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलर। सौदा, सौदा की इंग्लिश होती है डील। तैरना, तैरना को इंग्लिश में कहते हैं स्विम। अवधि, अवधि की इंग्लिश होती है टर्म। विपरीत, विपरीत को इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट। पत्नी, पत्नी की इंग्लिश होती है वाइफ। जूता, जूते को इंग्लिश में कहते हैं शू। कंधे की इंग्लिश होती है शोल्डर। प्रसार, प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेड। व्यवस्था, व्यवस्था की इंग्लिश होती है अरेंज। शिविर, शिविर को इंग्लिश में कहते हैं कैंप। आविष्कार, आविष्कार की इंग्लिश होती है इन्वेंट। कपास, कपास को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। बॉन, बॉन को इंग्लिश में कहते हैं बॉन। निर्धारित, निर्धारित की इंग्लिश होती है डिटरमिन।
चौथाई गैलन, चौथाई गैलन को इंग्लिश में कहते हैं क्वार्ट। नौ की इंग्लिश नाइन होती है। ट्रक को ट्रक ही कहते हैं। शोर, शोर की इंग्लिश होती है नॉइस। स्तर, स्तर की इंग्लिश होती है लेवल। संयोग, संयोग को इंग्लिश में कहते हैं चांस। इकट्ठा, इकट्ठा की इंग्लिश होती है गैदर। दुकान, दुकान को इंग्लिश में कहते हैं शॉप। खिंचाव, खिंचाव की इंग्लिश होती है स्ट्रेच। फेंक, फेंक की इंग्लिश होती है थ्रो। चमक, चमक की इंग्लिश होती है शाइन। संपत्ति, संपत्ति की इंग्लिश होती है प्रॉपर्टी। स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। अणु, अणु की इंग्लिश होती है मॉलिक्यूल। चयन, चयन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेक्ट। गलत, गलत की इंग्लिश होती है रॉन्ग। ग्रे, ग्रे की इंग्लिश ग्रे ही होती है। दोहराना, दोहराना को इंग्लिश में कहते हैं रिपीट। आवश्यकता, आवश्यकता की इंग्लिश होती है रिक्वायर। विस्तृत, विस्तृत को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड। तैयार, तैयार की इंग्लिश होती है प्रिपेयर। नमक, नमक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। नाक, नाक की इंग्लिश होती है नोज। बहुवचन, बहुवचन की इंग्लिश होती है प्लूरल। क्रोध, क्रोध की इंग्लिश होती है एंगर। दावा, दावा की इंग्लिश होती है क्लेम। महाद्वीप, महाद्वीप की इंग्लिश होती है कॉन्टिनेंट। तो आज हमने सीखे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे डेली यूज में शामिल होते हैं। हमने सीखा हिंदी के मीनिंग इंग्लिश में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ।